नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। हाथरस पुलिस ने अवैध पटाखा फैक्ट्री पर मारा छापा। कोतवाली सहपुर क्षेत्र के जरीपुरा में पुलिस ने की छापामार कार्रवाई। आज हाथरस पुलिस अधीक्षक हाथरस निपुण अग्रवाल के आदेशानुसार आगामी त्योहारों में अवैध विस्फोटक आतिशबाजी पदार्थों के निर्माण तथा भंडारण के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष चेकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी सादाबाद के कुशल नेतृत्व में थाना सहपुर पुलिस ने अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए विस्फोटक आतिशबाजी के सामान बनाने वाले एक शातिर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से एक कट्टा जिसमें पटाखे भरे हैं, एक कट्टा जिसमें पटाखे बनाने की बत्ती भरी है, आधा कट्टा जिसमें पटाखे के खोखे भरे हैं, आधा कट्टा जिसमें पटाखे भरे हैं, आधा कट्टा जिसमें मोटे पटाखे भरे हैं, एक कट्टा जिसमें सुतली भरी है, एक कट्टा टाट खाकी रंग का जिसमें पोटाश भरा है, एक बाल्टी काले रंग की जिसमें बारूद भरा है, नीली पन्नी खुली रंग की जिसमें नव निर्मित पटाखे भरे हैं, एक कार्टून गत्ता की जिसमें पटाखे बनाने की बत्ती व अन्य छोटा छोटा सामान रखा है। कुल बरामद सामान का वजन 132 किलो, कुल 10 नग बरामद हुआ। नाम व पता शातिर गिरफ्तार। ब्रजेश खन्ना पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम जरीपुरा थाना सहपुर जनपद हाथरस। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम प्रभारी निरीक्षक मनीष चिकारा मई टीम थाना सहपुर जनपद हाथरस। आइए जानते हैं क्षेत्राधिकारी सादाबाद ने क्या कहा। हाथरस से जिला संवाददाता पवन कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। दिनांक 2 अक्टूबर 2024 को आगामी त्योहारों के दृष्टिगत अवैध विस्फोटक व आतिशबाजियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान में थाना सैपो पुलिस द्वारा एक अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है, जहां से कई कट्टों में पटाखे बरामद हुए हैं और उसमें बनाने वाली जो सामग्री होती है वह भी बरामद हुआ है। एक बाल्टी बारूद भी वहां से बरामद किया गया है। एक अभियुक्त की गिरफ्तारी इसमें कर ली गई है, जिसने पूछताछ में बताया है कि वह सामान बाहर से खरीद कर लाता था पर अपने घर पर ही अवैध रूप से इसका निर्माण किया करता था। इसमें संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है व गिरफ्तारी और बरामदगी के संबंध में थाना सैपो पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।